धनबाद रेल 99% कर्मी हड़ताल के पक्ष में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर होगी रेल हड़ताल। बता दें, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेल कर्मचारियों का हड़ताल तय माना जा रहा है। धनबाद रेल मंडल में ECRKU के 14 ब्रांच में हड़ताल को लेकर रेल कर्मियों का विचार जानने के लिए स्ट्राइक बैलेट का प्रयोग आज से शुरू हुआ और मतदान 21 और 22 नवंबर तक चलेगा। मतदान के आधार पर अब तक यह सामने आया है कि 99% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है। वहीं रेल यूनियन के सदस्य NK खवास ने बताया कि ECRKU के अलावे पूरे भारतीय रेलवे में सभी रेलवे जोन और कारखाना में हड़ताल के लिए यह मतदान एक ही साथ कराया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली हेतु संयुक्त फोरम का गठन किया गया है, जो नए पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुराने सुनिश्चित पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रहा है। ERF के निर्देश पर, ECRKU के आदेश पर हम लोग एक लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई के अंतर्गत हम लोग अंततः देख रहे हैं कि अभी तक गवर्नमेंट के खान पे कोई जू तक नहीं ले रहा। तो हमारे महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा के आदेश पे हम लोग 21-22 को हम लोग जो गुप्त मतदान का निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों से ओपिनियन लेना कि आने वाले दिन में यदि यूनियन केंद्र सरकार के खिलाफ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में यदि हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं तो कर्मचारियों का क्या व्यू है। तो अभी तक जो हम लोग मतदान सुबह 8 बजे चालू किए हैं वे तो हम लोग बूथ बनाकर चालू किए थे, क्योंकि हम लोग वर्किंग पॉइंट पर हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे लोग काम छोड़कर नहीं आ पा रहा है। तो हमारे ऊपर से आदेश था कि आप लोग वर्किंग पॉइंट पर जाकर मतदान कर्मचारियों से करवाइए, तो हम लोग अब वर्किंग पॉइंट पर जा रहे हैं। ये प्रक्रिया हो रहा है कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उसे न्यू पेंशन स्कीम में सरकार अपना मनमानी ढंग से लागू कर दिया गया, जिसमें पेंशन की गारंटी नहीं है। इसमें 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन की तरफ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जिससे रिटायरमेंट के समय पुराने पेंशन में लाभ है कि आपको 50% वेतन का मिलेगा आपको पुरानी पेंशन, और नया पेंशन में है आपका कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपको 2000 मिलेगा कि 4000 मिलेगा, शेयर बाजार की तरह रहेगा, शेयर बाजार में जो इसका वैल्यू रहेगा हमारा उसी आधार पर पेंशन मिलेगा, इसमें कोई हमारा जिसमें कर्मचारी का भविष्य नहीं है। तो ये आप लोग क्या पूरे जोन में हो रहा मतदान? ऑल इंडिया रेलवे में हो रहा, पूरे ऑल इंडिया रेलवे में सभी डिपार्टमेंट्स का आदमी ये वोटिंग कराया जा रहा है 21 और 22 तारीख को, 21 नवंबर और 22 नवंबर को ऑल इंडिया रेलवे में ERF के आह्वान पर हम लोग वोटिंग कर्मचारी से करा रहे हैं, जिससे कि हम लोग सहमत कितना मेरे कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है। इसमें लगभग 99% हमारा कर्मचारी जो है पक्ष में है कि हम आगे अगर सरकारी हमारे बात नहीं मानती है हम हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। अच्छा। और सरकार को ये चल से हम लोग आग्रह करना चाह रहे हैं उनसे कि हमारी जो पेंशन है पुरानी पेंशन वो बहाल की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौहान हुआ। क्या है आप? मैं टेक्नीशियन हूँ। पद में क्या है आप? टेक्नीशियन मैं पद में ही बोल रहा हूँ, टेक्नीशियन 2 ग्रेड 2। ठीक ठीक।